हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सुष्मिता और आज मैं आपके पास लेकर आई हूं मेरे चैनल का सबसे पहला वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक DIY फेस वॉश जो कि बिल्कुल ही नेचुरल होने वाला है, घर पर ही आसानी से बन जाने वाला है। सो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। DIY फेस वॉश बनाने के लिए आपको चाहिए एक ऐसा एयर टाइट कंटेनर जिसमें आप DIY फेस वॉश को स्टोर करके रख सकें। अब आपको इसमें लेना है 2 चम्मच बेसन, 1/2 चम्मच हल्दी और आपका DIY फेस वॉश बनकर रेडी हो जाएगा। बेसन स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल है ये तो सब जानते हैं। बेसन स्किन को ग्लोइंग बनाता है, ऑयलीनेस को कंट्रोल करता है और डेड स्किन सेल को रिमूव करता है। इसके अलावा बेसन में नेचुरल क्लींजिंग प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से आपकी स्किन को पूरी तरीके से क्लीन कर देता है। बात करें हल्दी की तो हम सबको पता है कि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एंटी इंफ्लामेटरी कंपोनेंट्स होते हैं। हल्दी आपके फेस को ग्लोइंग बनाता है। अगर आपके स्किन में पिंपल या एक्ने के मार्क्स हैं तो हल्दी उन मार्क्स को हील करने में आपकी हेल्प करेगा। और यहाँ पर आपको खड़ी हल्दी यूज़ करना है, उसे पिसवा कर आपको इस फेस वॉश में ऐड करना है। बेसन एंड हल्दी तो आपको अपने फेस वॉश में यूज़ करना ही है, लेकिन अगर आप अपने फेस वॉश को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 1 चम्मच चावल का आटा भी ऐड कर लें। चावल का आटा स्किन वाइटनिंग में हेल्प करेगा, सन टैन को दूर करेगा और ये माइल्ड एक्सफोलिएटर का भी काम करेगा जिससे आपकी स्किन से ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम दूर रहेंगी। अगर आपके स्किन में पिंपल और एक्ने की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं 1 चम्मच नीम का पाउडर, लेकिन फिलहाल मेरे स्किन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं यहाँ पर नीम का पाउडर ऐड नहीं कर रही हूँ। नीम का पाउडर आप बड़े आसानी से घर पर ही बना सकते हैं। नेक्स्ट आप चाहें तो यहाँ पर आप चंदन का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैं चंदन का पाउडर यूज़ कर रही हूँ ये बायो ऑर्गेनिक का चंदन पाउडर है और इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में मुल्तानी मिट्टी, सैंडलवुड, कैलामाइन, आलमंड, अरोमा लिखा हुआ है। सो यहाँ पे आपको ऐड करना है 1 चम्मच चंदन का पाउडर। चंदन के पाउडर के स्किन के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जैसे सनटैन को दूर करना, फेस को ग्लोइंग बनाना, एक्ने दूर करना, डार्क स्पॉट हटाना एंड मैनी मोर। जैसे कि मैंने कहा कि इसके इंग्रेडिएंट में पहले से ही मुल्तानी मिट्टी लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे मैं अलग से मुल्तानी मिट्टी ऐड नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है तो यहाँ पर आपको मुल्तानी मिट्टी ज़रूर ऐड करना है। ऑयली स्किन वालों के लिए मुल्तानी मिट्टी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसमें क्लींजिंग की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये एक्सेस ऑयल डर्ट पसीने को रिमूव करके आपकी स्किन को इवन एंड ब्राइट बनाता है। सारे पाउडर को मिक्स करके आप इस कंटेनर को क्लोज करके रखें एक मॉइस्चर फ्री जगह पे। उसके बाद आप इसे 1 हफ्ते 10 दिन तक आसानी से यूज़ कर सकती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको आपको यूज़ कैसे करना है। आपको इसको 1/2 चम्मच से थोड़ा ऊपर लेना है, लेकिन अगर आप अपने फेस पे और नेक पे दोनों पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसे पूरा 1 चम्मच ले लीजिए। मैं यहाँ पर आपको अपने फेस पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। मैं इसे अपने हाथ में ही ले लेती हूँ, फिर पानी ऐड करके एक पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। इसके बाद आपको अपने फेस को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। फेस को थोड़ा सा वेट कर लेने के बाद आपको इस पेस्ट को अपने फेस पे पूरा अप्लाई करना है। फेस पे आपको इसको करीब करीब 1 मिनट तक अप्लाई करना है। 1 मिनट से ज़्यादा आपको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, वरना ये आपका फेस स्क्रब बन जाएगा। सो आपको सर्कुलर मोशन में अप्लाई करना है। पानी से फिर आपको अपने फेस को धो लेना है। फेस वॉश करने के बाद मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा क्लीन फील कर रही थी एंड ग्लोइंग भी। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे यूज़ कब करना है। दिन में 2 बार फेस वॉश करना कंपलसरी होता है, ये हम सबको पता है। तो आप इसे किसी भी एक टाइम यूज़ कर सकती हैं। अगर आप घर पर रहती हैं तो कोई भी एक टाइम चूज़ कर लीजिए, लेकिन अगर आप बाहर जाती हैं, बाहर से घर जब वापस आती हैं, चाहे वो ऑफिस हो या कहीं से भी हो, तो आप बाहर से वापस आने के बाद इस फेस वॉश को यूज़ ना करें, अपना फोम वाला मार्केट वाला फेस वॉश यूज़ करें। क्योंकि जब हम बाहर से घर आती हैं तो अपने फेस में पहले का किया हुआ मेकअप, साथ में डस्ट पॉल्यूशन अपने साथ लेकर वापस आते हैं, तो उतनी सारी इम्प्योरिटी इसको मिटाने के लिए आपका मार्केट वाला केमिकल वाला फेस वॉश बहुत ज़रूरी है। आप खुद ही सोचिए, जब आप घर पर रहती तो आपके फेस में ना कोई हैवी सा मेकअप होता है, ना पोल्यूशन होता है। सो घर पर रह रही ही जो थोड़ा बहुत होता है वो ऑयल होता है जो मेरे फेस से जनरेट होता है, थोड़ा बहुत डस्ट होता है। सो उस किस्म की इम्प्योरिटीज़ के लिए, माइल्ड इम्प्योरिटीज़ के लिए, क्या वो इतना ज़्यादा केमिकल वाला फेस वॉश यूज़ करना सही होगा? सो उस समय के लिए ये फेस वॉश बेस्ट है क्योंकि बिल्कुल ही नेचुरल है और आपके फेस में सारी इम्प्योरिटीज़ को ये बहुत आसानी से क्लीन कर देता है और इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड करता है। मैं इसे पिछले 4 महीने से यूज़ कर रही हूँ और मैंने
अपने फेस में बहुत ही अच्छा चेंज देखा है। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसे बिल्कुल यूज़ करें, बिल्कुल इसे एक बार ट्राई दें। आप चाहें तो इनमें से कोई पाउडर कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपके पास ना हो तो। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।